मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 29वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ें। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। आज सुबह हमने ध्यान देना है कि जितना हम वचन खास करके नीति वचन के पुस्तक से हम पढ़ते जा रहे हैं, एक एक शब्द को जब हम सीख रहे हैं, हमारे अंदर एक भय आता है, क्योंकि अगर इन वचनों को हम तुच्छ जाने तो ये जो परमेश्वर की चेतावनी हमारे लिए है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे मार्ग में हमें सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रभु जब कार्य कर रहा है, और हम अगर वचन को स्वीकार ना करें, यही वचन हमारे लिए सजा का कारण भी बन जाए। हमारा स्वर्गीय पिता बार बार प्रयास करता है कि हमें सही मार्ग में चलाए, ताकि परमेश्वर के अनंत काल के दंड से हम बच जाएं। लेकिन अगर हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन को महत्व ना दें और उसके अनुसार ना चले, तो फिर हमारे लिए कोई आशा नहीं, और हमारे दंड का जिम्मेवार हम स्वयं होंगे। राजा सुलेमान की स्थिति को जरा देखें। दाऊद राजा का प्रिय पुत्र था। हम सब जानते हैं राजा दाऊद कैसे परमेश्वर को सच्चे मन से प्रेम करता था, और उसका वो प्रेम वो हर भजन संहिता में दिखता है जो उसने आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। एक छोटा चरवाहा जब वो इसराइल का राजा बना, परमेश्वर ने उसे चुना था, और वो किस प्रकार परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रसन्नदायक एक जीवन बिताया, और वो समय दाऊद के राज्य का समय इसराइल के लिए स्वर्णिम काल माना जाता है, और परमेश्वर दाऊद के विषय में परमेश्वर को अभिमान था, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था। सच है दाऊद ने गलतियां की, लेकिन वो अपनी गलतियां छुपाया नहीं, माना, टूटे हुए दिल से वो माना, अपनी गलतियों से उसने सीखा, और वो उसके लिए आशीष का कारण भी बन गया, और वो नम्र रहा प्रभु के चरणों में। परमेश्वर ने उसे ज्ञान भी दिया ताकि वो राज्य को अगुवाई करे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को चलाए। और राजा दाऊद ने यही उम्मीद रखी होगी अपने पुत्र सुलेमान से भी। राज्य स्थापित हो गया था और दाऊद ने अपने बेटे को प्रोत्साहित किया कि वो परमेश्वर के वचन को सीखे, उसका ज्ञान प्राप्त करे, क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। लेकिन हम सब जानते कैसे राजा सुलेमान, जो एक समय अपने पिता का अभिमान और आनंद का कारण था, कैसे उसका जीवन बर्बाद हुआ। कारण उसके अनगिनत पत्नियां जो थी, और वो सबके सब अन्य जाति में से आए थे। परमेश्वर ने पहले से इसराइल के कौम को चेतावनी दिया था कि अन्य जातियों में जाकर शादी ना करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर से उनका हृदय हटा देंगे। लेकिन सुलेमान की अन्य जाति पत्नियां, जो परमेश्वर को प्यार नहीं करती थी, ना ही आदर करती थी, उन्हें ना ही परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था से कोई लेना देना था, ना ही उन आज्ञाओं का पालन किया, वरन वो अपने मार्ग में चले, इसराइल की प्रजा को सही अगुवाई और नमूना देने के बजाय वो अपने सुखमय विलास में अपना जीवन बिताए और देश के धन को अपने लिए इस्तेमाल किया। और हमको मालूम है, हम वचन में देखते कैसे उन्होंने सुलेमान राजा को प्रभावित किया, कि उसका भी हृदय परमेश्वर से हट गया, और परमेश्वर के मार्ग से हटकर वो परमेश्वर को दुखी करने वाले तरीके से उसने जीवन बिताया। लोगों का धन जो इकट्ठा किया गया था, वो लोगों की भलाई में इस्तेमाल करना था, वरन सुलेमान ने वो सब
अन्य देवी देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनाए, वो काम किए जो परमेश्वर के नजर में घृणित थे, अपनी पत्नियों के लिए बड़े बड़े महल बनाए और अपने आप भी बड़े आराम की जिंदगी में रहा और पवित्र परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ना ठहरा। सुलेमान का जीवन हम सब के लिए सबक है। सुलेमान परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था। उसके पिता ने लिखी हुई भजन संहिताएं सुलेमान ने शायद मुंह जवानी सीखी भी होंगी। मंदिर में परमेश्वर की महिमा को उतरते हुए सुलेमान ने देखा था, लेकिन फिर भी उसका हृदय परमेश्वर की ओर सीधा नहीं था, क्योंकि उसकी संगति उन लोगों के साथ थी जो परमेश्वर को जानते नहीं थे। परमेश्वर की आज्ञा थी कि अन्य जाति पत्नियों को ना ले, वरन सुलेमान ने ठीक विपरीत किया। सो इसलिए जो धन प्रभु ने दिया था, जो देश के ऊपर राज्य करने का अधिकार उसे दिया था, उस वो राज्य जैसे करना था नहीं कर पाया। उसके पिता ने धन दौलत इकट्ठा किया था, सुलेमान ने वो सब अपने ऊपर उड़ाया। अगर दाऊद जीवित होता तो वो कभी भी सुलेमान की जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पाता। आज सुबह परमेश्वर के संतान के तौर पर आइए हम अपने आप को जांचें। हम वेश्याओं से शारीरिक तौर पर तो दूर होंगे, लेकिन ध्यान दे, परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार और संसार की वस्तुओं को प्यार करता है वो तो परमेश्वर के नजर में वेश्यावृत्ति करता है। परमेश्वर ने इस दुष्ट संसार से हमें अपने लिए चुनकर अलग किया ताकि हम पवित्र जाति होकर रहे, परमेश्वर के लिए जीवन बिताएं। प्रभु चाहता है कि हमारा हृदय परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे ताकि हम उस मार्ग में चले जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, ऐसी आशीषें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, बहुतायत में बहुमूल्य आशीषें और वायदे प्रभु ने दिए जो ये संसार कभी सोच भी नहीं सकता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है ताकि हमें हर सत्य में चलाए। सो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर से पाए हुए इस आत्मिक धन को हमने आखिरी तक संभाले रखना है। आइए हम संसार के साथ समझौता ना करें, संसार के तात्कालिक सुख विलास के पीछे हम अपने आत्मिक धन को बर्बाद ना करें। आइए प्रभु से वो ज्ञान मांगे ताकि हमें जो मिला वो आत्मिक धन को हम संभालें, वो दिव्य सत्य में हम बने रहें। प्रभु से वो ज्ञान मांगे ताकि हम एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को भाता हो, परमेश्वर की व्यवस्था को हम प्यार करें पूरे मन से। परमेश्वर हमें ज्ञान देगा ताकि हम उसकी महिमा के लिए जी सकें, परमेश्वर के मार्गों को हम सीखें और उसमें हम चलें। हम एक समय पाप में डूब रहे थे, मसीह यीशु के द्वारा हमें नया जीवन मिला। सो आइए हम प्रभु के और आभारी रहें, विश्वास योग्य रहें। जो नया जीवन प्रभु ने हमें दिया है उसे प्रभु के नाम के महिमा के लिए इस्तेमाल करें और कभी भी संसार के सुख के पीछे हम अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें। संसार का सुख थोड़ी देर का है, वेश्याओं के बीच में हम गिने ना जाएं उस सजा के दिन। प्रभु हम सबको मदद करे ताकि हम परमेश्वर के ज्ञान में और पवित्रता में प्रतिदिन बढ़े, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो सके। आइए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए प्रभु, आपके चेतावनियों के लिए। सुलेमान के द्वारा आपकी आत्मा ने लिखे हुए वचन को जब हम सीखते हैं प्रभु, हमारे सामने सुलेमान का जीवन है जो हमारे लिए चेतावनी है। प्रभु भय और भक्ति के साथ आपके वचन को प्यार करते हुए आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। प्रभु संसार हमें हमारे सामने परीक्षाएं लाता है, कैसे ना कैसे गुमराह करने का प्रयास करते वक्त बाप हम आपकी महिमा चाहते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।